नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल 2 जून को इंदौर प्रवास पर आएंगे। नेपाल पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को इंदौर आ रहे हैं। वे अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और पुष्प कुमार दहल अपनी बेटी गंगा के साथ उज्जैन भी जा सकते हैं। देखिए इस पर यह खास खबर। पिछले साल दिसंबर में नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचंड पहली बार आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। वे 31 मई से 3 जून तक भारत के दौरे पर रहेंगे। प्रचंड के साथ बेटी गंगा भी भारत आएगी। नेपाल पीएम के साथ मंत्रिमंडल के कुछ साथी, चुनिंदा अफसर और जर्नलिस्ट भी दौरे में शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच बॉर्डर से जुड़े मसलों पर बातचीत भी होगी। वहीं प्रधानमंत्री प्रचंड 2 जून को इंदौर आएंगे और 3 को लौटेंगे। इंदौर जिला प्रशासन के मुताबिक पीएम प्रचंड उज्जैन प्रवास पर भी जाएंगे और वहां से लौटकर पीएम प्रचंड इंदौर में रुकेंगे। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी में डिनर भी देंगे। ये माननीय है ना प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के ना इसीलिए ना 2 एंड 3 जून का ना निर्धारित है, उसका लेकर है ना अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी रिव्यू किया जाएगा। उनका है ना मतलब है ना कुछ खास बिंदु है कि उज्जैन महाकाल टेम्पल जाएंगे, हमारी इंदौर के ना स्वच्छता के लेकर हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान देखेंगे। इंदौर एक आईटी सिटी के माध्यम से भी उभर रहा है, सो टीसीएस और इंफोसिस के ना ऑफिसर्स विजिट करेंगे, इस प्रकार का उनका कार्यक्रम है। पीएम प्रचंड 3 जून को इंदौर से रवाना होंगे और जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड को भारत आने का न्योता दिया था। प्रचंड नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष से भी मिलेंगे। वे नेपाल इंडियन बिजनेस समिट को भी संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।